हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 9 से लेना पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 20C। 20C स्टार्ट करने से पहले 20A एंड 20B ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो वाला चेक कर लो कैसे सम्स बनाते हैं, कैसे करते हैं, वो वाला देख लो, समझ लो एंड देन आ जाओ 20C में। ऐसा नहीं कि 20A एंड 20B नहीं करोगे तो 20C नहीं कर पाओगे। 20C है एक डिफरेंट टाइप का सम है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप मतलब क्या है, सर्किल जो है हम लोग का जियोमेट्रिक फिगर, वो है सर्किल रिलेटेड सम हम लोग को यहाँ पे करना होगा। ये ऑलरेडी हम लोग क्लास 8 में करके आए हैं, तो अगर यहाँ पे तुम सर्किल वाले सम्स तुम नया कर रहे हो तो फिर क्लास 8 का मेन ड्यूरेशन तुम एक बार चेक कर सकते हो, वो ऑलरेडी अपलोडेड है, देख लो। ठीक है, चलो नाउ चलते हैं सम में, देखते हैं कि कैसे सम्स सॉल्व होता है। देखो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग को कुछ फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मेन ड्यूरेशन है, ओनली फॉर्मूला पुटिंग सम्स यहाँ पे होगा। तो चलो देखते हैं, मान लो कि ये एक सर्किल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको सेंटर कहते हैं, और ये जो है ये होता है रेडियस। रेडियस को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, एंड ये अगर डबल अप हो जाता है तो फिर इधर भी आर हो सकता है, तो फिर हम लोग का क्या हो जाता है, डायमीटर इक्वल्स टू 2R होता है। ठीक है, डायमीटर मतलब ये पूरा सीधा, दो रेडियस मिलके एक डायमीटर होता है, तो डायमीटर इक्वल्स टू 2R हो जाता है हम लोग का फॉर्मूला। और यहाँ पे जो है जैसे कि हम लोग ट्राइंगल स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में हम लोग क्या था, क्या किया था यहाँ पे, पेरीमीटर कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे पेरीमीटर बोल के कुछ नहीं होता है, यहाँ पे पेरीमीटर का नाम ही क्या हो जाता है, सर्कमफेरेंस, है ना, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस हो जाता है, वो होता है 2πr, ठीक। एंड इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है कि पाई आर स्क्वायर, पाई ऐसे लिखा करो सीधा ऐसा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे सर्कमफेरेंस का, डायमीटर का यूनिट क्या हो जाता है, ओनली यूनिट होता है, इसका सर्कमफेरेंस का भी ओनली यूनिट होता है, इसका हो जाता है यूनिट स्क्वायर, ठीक है। मतलब अगर मीटर रहता है तो ये मीटर होता है, यहाँ पे भी मीटर होता है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ऐसा करके, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का सिंपल सा तीन फॉर्मूला जो है सर्किल का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहता है जो हम लोग पहले भी किया है, ये जो है कंसेंट्रिक सर्किल वाला फॉर्मूला, जैसे कि हम वो एरिया पेरीमीटर में कर रहे थे, मतलब वो प्रीवियस क्वेश्चन में जब रेक्टेंगल था, ऐसा वाला रेक्टेंगल का ऐसा वाला डायग्राम जब कर रहे थे, जो सम था, ठीक है, ऐसा वाला सम में हम लोग का क्या था, ये वाला एरिया चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे भी मान लो कि तुमको ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे सॉल्व करते थे, यहाँ पे बस कुछ नहीं, ये जो बड़ा वाला है मतलब बिगर एरिया, बिगर एरिया माइनस स्मॉलर एरिया, दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पाथ, यही वाला फॉर्मूला में यूज करते थे। तो यहाँ पे भी वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ये जो है बिगर सर्कुलर एरिया माइनस ये स्मॉलर सर्कुलर एरिया, ठीक है, डायरेक्टली। तो बिगर एरिया मतलब क्या होता है, वहां पे हो जाता है पाई कैपिटल स्क्वायर, मतलब अगर बड़ा रेडियस है तो कैपिटल आर ले लो, माइनस पाई स्मॉलर स्क्वायर कर लो, दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ पाथ, ये ऊपर लिखते थे। जब हम सम्स करेंगे और भी नॉलेज अच्छे से क्लियर करेंगे सर्किल का, इसका तो ऑलरेडी क्लियर है आई थिंक, तो सर्किल का भी ऐसे ही सम हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो अब सीधा चलते हैं सम में, देखते हैं कि कैसा टाइप का सम हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है। देखो यहाँ पे क्या बताया कि डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज 28, तो हम लोग सीधा का सीधा फॉर्मूला में पुट कर देंगे 2R, दैट इज इक्वल्स टू 28, क्योंकि 2R जो है वो डायमीटर है, 28 गिवन है, तो यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट कर दो तो 14, तो R का वैल्यू हो गया 14। अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगा लो, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, तो 2 × π का वैल्यू हमेशा 22/7 लेना, R का वैल्यू क्या होता है 14, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, 7 × 2 = 28 हो जाता है, 88 यहाँ पे यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, तो 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो ये तो हो गया 1 का, अब नंबर 2 का करो, एरिया का फॉर्मूला डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट कर दो, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या है 14 × 14 कर देंगे, ठीक है। तो 14 तो 7 × 2 होता है, तो 22 × 2 कितना होता है 44 × 14, ठीक है, इसका कैलकुलेशन तुम लोग कर लो, ठीक है, आंसर क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, कुछ नहीं। तो पाई का वैल्यू हम लोग 2 ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं 22/7, और क्या ले सकते हैं, और हम लोग ले सकते हैं 3.14, ठीक है, ये दोनों में से कोई भी एक हम लोग ले सकते हैं। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 308, तो फॉर्मूला क्या है, सर्कमफेरेंस है, तो फिर
2 पाई आर दैट इज इक्वल्स टू 308 डायरेक्टली पुट करेंगे फॉर्मूला में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से इसको सीधा कैंसिल आउट कर लो, ये साइड बाय साइड कैलकुलेट हम कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन देखो क्लास 8 का समझ में आ जाएगा ठीक है। तो 2 से कर दो 2 आंसर 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आंसर 2 31 2 5 आर 10 2 4 आर 8 है ना 154, और यहाँ पे क्या है 22 बाई 7 इंटू आर, तो इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दो, तो 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22, तो 22 से इसको कैंसिल आउट कर लो डायरेक्टली, क्या आता है 7 सा है ना, 22 इंटू 7 करो, 7 टू 14 का 4 कैरी 1, 14 1 15, 154 आता है ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर का वैल्यू 7 इंटू 7 49, लेकिन ये सेंटीमीटर में आएगा। अब देखो रेडियस ढूंढना है, तो रेडियस हम लोग का आ गया क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी आ गया हम लोग का, नंबर 2 एरिया, द एरिया मीन्स क्या है पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 22 बाई 7 इंटू 49 इंटू 49, यहाँ पे 7 7 सा 49, अब कैलकुलेट तुम लोग कर लो क्या करना है 22 इंटू 7 इंटू 49 ठीक है, कैलकुलेट तुम लोग कर लो करके आंसर पुट करो। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3 पे, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर, पता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर प्लस डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 आर दैट इज इक्वल्स टू 116 ठीक है, फाइंड इट्स रेडियस दैट मींस आर ढूंढना है, तो यहां से देखो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं है ना, तो 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा पाई प्लस, अच्छा 2 आर कॉमन ले सकते हैं तो पाई प्लस 1 बचा दैट इज इक्वल्स टू 116, तो यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट कर दो तो कितना आएगा 108, यहाँ पे क्या है देखो आर यहाँ पे है तो इधर पाई मतलब 22 बाई 7 प्लस 1, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लो 22 बाई 7 प्लस 1 क्या हो जाता है 22 बाई 7 प्लस 1 बाई 1, तो नीचे आया 7 तो 22 प्लस 7 वन 7 तो कितना हो जाएगा 29 बाई 7, तो यहाँ पे कर लो 29 बाई 7 पुट कर दो दैट इज इक्वल्स टू 108, तो आर इक्वल्स टू 108 इंटू 7 बाई 29, अब 29 से इसको कैंसिल आउट कर लो, यहाँ पे देखो 2 से मैंने 116 को कैंसिल आउट किया तो 108 तो आएगा नहीं, तो कितना आएगा 2 से करो 2 5s are 10, 11 1 2 8s are, तो 58 आना चाहिए था है ना, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पे भी 58 हो जाएगा यहाँ पे भी 58 हो जाएगा, तो 29 2s are, तो r का वैल्यू क्या है 7 2s are 14 आ गया ठीक है, बात समझ में आ रहा है 14, और रेडियस ही चाहिए था तो r निकल गया, और यहाँ पे ना हमेशा और लिखना और मत छोड़ना ठीक है, और लिखना क्योंकि और नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखो यहाँ पे बताया कि द रेडियाई, रेडियाई मतलब क्या है रेडियस का प्लूरल फॉर्म, मतलब एक रेडियस होता है तो रेडियस कहता है और दो होता है मोर देन वन होता है तो रेडियाई होता है ठीक है, तो रेडियस ऑफ टू सर्कल्स है 25 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर, तो रेडियाई बताया तो फिर एक ले लो आर वन इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड इधर में ले लो कि आर टू इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, क्योंकि दो रेडियस है आर वन एंड आर टू कर लो, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स, दैट मींस क्या बता रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द, दैट मींस एक बड़ा वाला सर्कल है ठीक है, तो बड़ा वाला सर्कल का सर्कमफेरेंस जो हुआ है ये दोनों का सर्कमफेरेंस का सम, तो फिर डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट कर लो तो फिर 2r1 प्लस 2r2 ठीक है, ये दोनों का सम टू पाई आर वन टू पाई आर टू, पाई क्यों, क्योंकि दोनों का सर्कमफेरेंस देखो एक्चुअली क्या बता रहा है यहाँ पे क्या बता रहा है, बता रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज द सर्कमफेरेंस, तो एक सर्कल है तो फिर बड़ा सर्कल दैट इज इक्वल्स टू एक सर्कल है दूसरा सर्कल है ठीक है, और दोनों का ही सर्कमफेरेंस का बात क्या है, तो फिर जो बड़ा सर्कमफेरेंस है तो उसको ले लो 2 पाई कैपिटल आर, या भी छोटा था तो उसको ले लो 2 पाई आर वन प्लस 2 पाई आर टू, बात समझ में, मतलब ये बस समझाने के लिए लिखा है ऐसा नहीं, ये बस हम सर्किल का सिंबल दे देते हैं इसीलिए ऐसा दिया है ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 2 पाई कैपिटल आर क्यों कैपिटल है, जो वो बड़ा दोनों से मिक्सअप दोनों का सर्कमफेरेंस मिला के जो बड़ा वाला सर्किल बना है उसका सर्कमफेरेंस के लिए जो रेडियस आया वो वाला रेडियस को आर लिया कैपिटल आर, तो यहाँ पे लिख लेना कि लेट द रेडियस ऑफ बिगर सर्किल इज कैपिटल आर ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब देखो चलो यहाँ से कैलकुलेट कर लो वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पे क्या कॉमन जाएगा 2 पाई कॉमन जाएगा, तो यहाँ पे आर वन प्लस आर टू कर दो, यहाँ पे क्या है 2 पाई आर है, अब देखो ये 2 पाई इधर आएगा तो 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर अगल बगल में भी कैंसिल आउट कर सकते हो 2 पाई कैंसिल, तो कैपिटल आर इक्वल टू बस दोनों का सम, तो फिर 25 प्लस 18, तो कैपिटल आर इक्वल टू एड कर लो 25 प्लस 10 तो कितना हो गया 43 हो गया है ना, तो फिर रेडियस दैट इज इक्वल्स टू 43 सेंटीमीटर जो भी बिगर सर्किल का ठीक है, बात समझ में आया। यहाँ पे साइड बाय साइड हम कैसे कैंसिल आउट किया अगर देख जानना है तो फिर लीनियर इक्वेशन देखो, अगर साइड बाय साइड कैसे कैंसिल आउट किया है समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे भी कर सकते हो 2 पाई कैपिटल आर दैट इज इक्वल्स टू
टू पाई इंटू आर वन प्लस आर टू, है ना, ये था। तो टू पाई को नीचे लेके आ जाओ, तो टू पाई कैपिटल आर डिवाइडेड बाई टू पाई दैट इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू, हो सकता है ना ऐसा, इससे ये लिख सकते हैं। अब देखो टू पाई कैंसिल आउट कर दो तो दोनों ही सेम है। अब देखो कैपिटल आर इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू आ जाता है, ठीक है। ये जो है और वाला दिखाया, अगर जो अगल बगल में जो कैंसिल आउट किया है इसका मतलब अगर समझ में नहीं आ रहा है, ये मैंने लिनियर इक्वेशन में बेटा ऑलरेडी समझाया है, तो जाके लिनियर इक्वेशन चेक करो, क्लास 8 का चेक करो, क्लास 7 का चेक करो, कहीं पे भी चेक करो तो समझ में आ जाएगा। अगर क्लास 8 का मेंशुरेशन किए हो तो मेरे से अगर क्लास किए हो तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि ये मतलब बहुत बड़ा कुछ है, ऐसा नहीं है, सिंपल है, बस कंसेप्ट जो है सिंपल है। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया कि द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स 48 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी ले लो आर वन इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर एंड आर टू इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। आप ये बताया फाइंड द एरिया, एरिया ढूंढना है, क्या है द सर्कल ऑफ विच एज इट सर्कमफेरेंस इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द गिवन टू, दैट मींस ये एक बड़ा वाला सर्कल है दैट इज इक्वल्स टू ये एक सर्कल माइनस ये एक सर्कल, ठीक है। सब्ट्रैक्ट बताया कि डिफरेंस है, देखो इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू गिवन सर्कल, मतलब जो दो गिवन सर्कल है ये दोनों का सर्कमफेरेंस का डिफरेंस होगा वो बड़ा वाले का सर्कमफेरेंस का इक्वल, तो बड़ा वाले मतलब क्या हो जाएगा 2 पाई आर ले लो दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर वन प्लस नहीं होगा माइनस होगा माइनस 2 पाई आर आर टू। यहाँ पे वो वाला लिख लेना कि लेट द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल इज कैपिटल आर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है 2 पाई कैपिटल आर दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई, मतलब यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लो तो यहाँ पे आर वन माइनस आर टू है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो 2 पाई, अच्छा तो 2 पाई कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दो, तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल आर दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे आर वन माइनस आर टू है ना, तो आर वन माइनस आर टू दैट मीन्स 48 माइनस 13, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 से 13 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा 48 से 10 सब्ट्रैक्ट करो हो जाता है 38, 38 से अगेन 3 सब्ट्रैक्ट करो हो जाता है 35, तो देखो कैपिटल आर इक्वल्स टू 35 हो गया, दैट मीन्स रेडियस। अब तुमको ढूंढना क्या है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, तो फिर ये बिगर सर्कल का एरिया ढूंढना है, तो बिगर सर्कल का एरिया फॉर्मूला क्या होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, है ना, तो फिर पाई इंटू कैपिटल आर क्यों हुआ क्योंकि वही वाले का इस वाले मतलब जो बड़ा वाले है उसी का ही एरिया चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल व्हिच हैज इट्स सर्कमफेरेंस इक्वल टू, है ना, तो मतलब जो बड़ा वाला सर्कल है उसका एरिया चाहिए, तो फिर कर लो यहाँ पे पाई इंटू आर का मतलब क्या है 35 इंटू 35 एंड पाई का वैल्यू क्या है 22/7 ले लो, क्योंकि क्वेश्चन में अगर दिया हुआ नहीं है 22/7 क्वेश्चन में अगर दिया हुआ नहीं है कि इसका वैल्यू हम लोग को लेना है 3.14, मतलब क्या क्या होता है 22/7 एंड 3.14 होता है, तो ये दोनों का कोई भी एक ले सकते हो, लेकिन अगर 3.14 बताया नहीं क्या है तो फिर हमेशा 22/7 ही ले लेना, ठीक है। और 7 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 7 5 जा होता है, तो अब मल्टीप्लाई कर लो 22 × 5 × 35 कैलकुलेट कर लो, तुम लोग जो भी आंसर आएगा वही वाला, तुम लोग भी तो काम कुम हो, तुम लोग का भी तो कुछ काम होना चाहिए, है ना। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखो है कि अरे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आया, यहाँ पे देखो क्या बताया था डायमीटर्स ऑफ टू सर्कल्स आर दिस, तो डायमीटर मतलब 2R1 दैट इज इक्वल्स टू 32 ले लो एंड 2R2 दैट इज इक्वल्स टू 24, 2R1 2R2 क्यों लिया, क्योंकि देखो पाई क्यों नहीं दिया, क्योंकि हम लोग का डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2R होता है ना, तो इसीलिए R डिफरेंट था तो डिफरेंट R को लिख लिया, ऐसे करना है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बस देखो कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं कितना इजीली, ऐसे ही करना है, ऐसे ही प्रैक्टिस करो। अब देखो R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ पे R2 इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 से इसको कैंसिल आउट करो, यहाँ पे भी 2 से इसको कैंसिल आउट करो, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू गिवन सर्कल, मतलब दो रेडियस निकल गया, अब क्या बता रहे हैं फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू, दैट मींस एरिया मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ द एरियाज, दैट मींस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू पाई को कॉमन लो तो फिर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, वही सेम वाला लॉजिक, यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर क्यों लिया क्योंकि एरिया था, मतलब ये जो है R1 वाले सर्किल है, ये जो है R2 वाले सर्किल है, मतलब सर्किल का जो चेंजिंग है ना वैल्यू जो चेंजिंग है वो बस रेडियस के लिए ही चेंज होता है, इसीलिए R1 R2 कैपिटल R इसको अलग अलग ले रहे हैं क्योंकि वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल आउट कर दो तो और क्या हो जाएगा, देखो कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल्स टू 16 + 12 कर लो 16 + 12, लेकिन 16 + 12 नहीं होगा 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है, तो और R square equals to 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, क्यों इतना जल्दी कैसे हम कर पाए, मेरा लर्न है 30 तक, तुम लोगों को भी बताया कि 30 तक स्क्वायरिंग लर्न कर लो तो इजी रहेगा, प्लस 10 तक तुम्हारा हो जाएगा चल जाएगा। और देखो 256 प्लस 144 करो 6 + 4 10 का 0 कैरी 1, 5 + 4 = 9 10 का 0 कैरी 1, 2 + 1 = 3 = 4, तो आया 400, तो और R इक्वल टू रूट हो जाएगा, रूट मतलब 400 का रूट आएगा 20, ठीक है, बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पे फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल था तो फिर रेडियस निकल गया 20, तो यही है आंसर, तो फिर R इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, बात समझ में आया, ऐसे सम्स करना है, एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा, एकदम इजीली। अब यहाँ पे ना बस क्या करना है सॉल्व कैसे करना है ये बता रहे हैं,
एग्जाम में कैसे लिखना है इसको, बस यहां पे लिख लेना कि लेट टू रेडियस आर आर वन एंड आर टू, यहां पे लिख लेना कि लेट द बिगर रेडियस इज कैपिटल आर, ठीक है। अब यहां पे एटीपी लिख के फॉर्मूला में डाल दो, ठीक है, बात समझ में। इतना ही ऐड करना है और कुछ नहीं। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बता रहा है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5 मीटर, तो रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5 मीटर, दैट मींस r = 5, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, अच्छा सर्कमफेरेंस ढूंढना है, उस एरिया इज 49, तो फिर देखो एरिया इक्वल्स टू 49 टाइम्स, दैट मींस 49 इनटू द एरिया ऑफ द गिवन सर्कल, अच्छा मतलब 49 इनटू गिवन सर्कल एरिया, क्वेश्चन पढ़ो ऐसे लिख लो उसका, बना लो या फिर द सर्कमफेरेंस, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल होज एरिया, एरिया इक्वल टू, ठीक है। तो पहले इसका क्या करना है, गिवन सर्किल का एरिया निकालो, एरिया नहीं निकालेंगे पहले, बड़ा वाले निकालो, पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 49 इनटू गिवन सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर का क्यों डिफरेंस ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये पहले वाला का था और ये जो बता रहा है कि बड़ा वाला होगा, मतलब 49 टाइम्स है तो मतलब वो जरूर बड़ा वाला होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे ये आ गया, अब यहाँ पे हम लोग का क्या कर सकते हैं, देखो पाई कैपिटल आर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 49 इनटू, मतलब मल्टीप्लीकेशन में है तो डायरेक्टली इसको ये पाई को कैंसिल आउट कर दो, ये कर सकते हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशन में मैंने सिखाया है, ठीक है, चेक कर लो, नहीं तो नीचे लाके कैंसिल आउट कर दो, तुम्हारे ऊपर है। यहाँ पे क्या है 49 इनटू आर, आर का मतलब क्या है यहाँ पे 5 इनटू 5, तो देखो निकालने का कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल्स टू 49 इनटू 25 करो, कितना हो जाएगा 25, 9 से कितना होता है 225, तो 225 का 5 आएगा, 25 कैरी 225, 5 ऐड किया 22 कैरी, अब क्या है 25 4 से 100, तो 122, तो 1225, अब देखो r का वैल्यू क्या हो जाएगा 35, क्योंकि ये मेरा लर्न है, ठीक है, तो 35 का मल्टीप्लिकेशन कैसे हो जाएगा, देखो 35 इंटू 35 मल्टीप्लाई करो, 5 5s are 25, यहाँ पे 3 का नेक्स्ट नंबर है 4, तो 4 3s are 12, तो 1225, ये कैसे इतना जल्दी मैंने सॉल्व कर लिया, क्लास 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चेक करो, मैंने वहां पे बताया कि कैसे इजीली स्क्वायर निकालते हैं, कैसे इजीली स्क्वायर रूट करते हैं, मतलब कोई भी नंबर का 1 से लेके 99 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा तुमको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ठीक है। एक ट्रिक भी मैंने बताया तो वहां पे जाके चेक करो, वो जरूर होगा, ठीक है, वो जरूर तुम कर पाओगे। और यहाँ पे ये जो मैंने किया ये मेथड भी वहां पे ऑलरेडी बताया, तो ये वाला मेथड सीखने के लिए या फिर स्क्वायर स्क्वायर रूट का कोई भी मेथड सीखने के लिए क्लास 8 का जो वीडियो मैंने अपलोड किया है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, वो वाला देखो समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बस एक अलग कंसेप्ट है। तो चलो r इक्वल्स टू 35 जो है वो आ गया हम लोग का, तो यहाँ पे फाइंड द सर्कमफेरेंस चाहिए था, तो सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, देखो 2 पाई कैपिटल r, क्योंकि कैपिटल r का ही चाहिए, तो 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 35, तो 7 कितना आ जा 5 जा, तो 5 टू जा 10 इंटू 20, तो 220 हो जाएगा, है ना, 220 कितना आ जाएगा यहाँ पे बताया कि मीटर, तो फिर यहाँ पे भी आ जाएगा मीटर, है ना, तो 220 मीटर आ जाएगा, है कि नहीं, बोलो। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर चेक कर लो, समझ में आया है, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला में पुट करके हम सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं है, और कुछ है तो बताओ, अगर जो समझ में का अगर कुछ नहीं आता है, मतलब कुछ भी अगर कोई भी दिमाग में अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो फिर हमको पूछ लेना, ठीक है, पूछ लेना, फिर हम क्लियर आउट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखो समझ में आ जाएगा। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व होता है। देखो क्या बताया कि सर्कल ऑफ द लार्जेस्ट एरिया इज कार्ड ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस, तो फिर ये रेक्टेंगुलर पीस है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर पीस से एक लार्जेस्ट एरिया, लार्जेस्ट एरिया मतलब ऐसा एरिया हो सकता है, ठीक है, ऐसा एरिया हो सकता है, अरे ऐसा एरिया कट कर सकता है ना, रुको सर्किल बनाने दो पहले, हाँ हो गया, चलो एक ऐसा एरिया कैंसिल आउट कर सकता है। अब देखो विद डायमेंशन 55 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर, मतलब डायमेंशन मतलब क्या गिवन है, रेक्टेंगल का, तो 55 जो है इसका लेंथ है एंड 42 जो है इसका ब्रेथ है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ द सर्किल कट एंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग कार्डबोर्ड, मतलब रिमेनिंग कार्डबोर्ड ढूंढना है, तो रिमेनिंग कार्डबोर्ड ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो टोटल रेक्टेंगल का एरिया है उससे ये सर्किल का एरिया हमको सब्ट्रैक्ट करना है ना, ये वाला ऐसा डायग्राम में एक बार सोचो कि ये सर्किल है फिल्ड अप है और एक बार सोचो कि ये फिल्ड अप नहीं है, तो फिर क्या होगा, सर्किल का जो एरिया है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो चलो डायरेक्टली करते हैं, तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, देखो 55 इंटू 42 क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ, आंसर क्या हो जाएगा 2310, मैंने कैलकुलेटर पे किया है तो टेंशन मत लेना कि सर का ये भी लर्न है, नहीं है बेटा, अच्छा चलो
अब देखो तो एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का सिंबल हम ऐसे देते हैं, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल, ऐसा नहीं कि कंसेंट्रिक है, समझ में आ जाता है बच्चों को इसीलिए, ठीक है, तो ऐसे दे देते हैं। तो अब देखो एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, देखो सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई मीन्स 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू क्या है, देखो आर का वैल्यू गिवन नहीं है, है ना, आर का वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन यहां से मिल जाएगा, देखो ये जो है 42 है, तो इसका एक ऐसा टाइप का लाइन ड्रॉ करो, दैट मीन्स ये 42 ये 42 पैरेलल है, क्योंकि एक कार्डबोर्ड का हर जगह पे लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो इक्वल ही हो जाएगा ना, तो ये क्या है 42, यहाँ पे भी 42, तो ये 42 मतलब क्या हो गया, डायमीटर हो गया ना, ये 42 मतलब डायमीटर हो गया, तो फिर 2r इक्वल टू 42 तो r इक्वल टू 21, बात समझ में आया, तो यहाँ पे 21 इंटू 21 कर लो, 2 से कैंसिल आउट कर दिया बेटा। अब देखो 7 3 21, अब कितना होता है 22 इंटू 21 इंटू 3, कैलकुलेट करो कितना हो जाता है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रिमेनिंग कार्डबोर्ड दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो 2310 माइनस 1386, ठीक है 924 आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या है, बताया गया है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ द सर्कल एंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग, तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल कट एंड एरिया ऑफ रिमेनिंग, तो एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रिमेनिंग, है ना, एरिया ऑफ रिमेनिंग, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड और नहीं लिख रहा है, ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्किल मेरा कितना है, देखो 1386 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 924, ठीक है, कैंसिल आउट करो दोनों, देखो ये तो 3 से जा रहा है, ये वाला 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा चेक कर लो, हो रहा है ना 3 से, तो 3 3 9 0 3 8 24, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 3 4 12 13 1 3 6 18 3 2 6, अब देखो ये आ रहा है, तो ये दोनों को भी कैंसिल आउट करो, 2 से कर लो 2 1 2 5 2 4, ये भी 2 से कर लो 2 2 2 3 2 1, तो 231 154, क्या हो रहा है देखो चेक करो, अब देखो कितना आया 231/154, ये दोनों में देखो 7 से कैंसिल आउट करो तो आ जाएगा 3 3 2 2, देन 11 से करो 3 2, है ना, तो फिर आंसर विल बी 3:2, ठीक है। अच्छा चलो आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बताया कि द फॉलोइंग फिगर शोज अ स्क्वायर कार्डबोर्ड एबीसीडी साइड 28, अच्छा तो यहाँ पे 28 यहाँ पे 28 यहाँ पे 28 यहाँ पे भी 28 है, तो फोर आइडेंटिकल सर्कल आर लार्जेस्ट पॉसिबल साइज आर कट फ्रॉम दिस कार्डबोर्ड, अच्छा तो लार्जेस्ट पॉसिबल फाइंड द एरिया, अच्छा देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये एक सीधा लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ पे भी एक सीधा लाइन ड्रॉ कर दो, क्योंकि देखो ये तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा इजीली, है ना, तो फिर एरिया ऑफ स्क्वायर ये इजीली निकल जाएगा कैसे 28 इंटू 28, है ना, तो 28 का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा बोलो, 28 का स्क्वायर ये हम लोग का लर्न है ना, कितना हो जाएगा देखो 784, है ना, तो 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो है ये 28 है ना, ये पूरा 28 है, तो फिर इसका आधा में है ना, है ना, आधा में है, तो फिर 28 का हाफ कर दो, ठीक है, आइडेंटिकल है मतलब ये जितना है ये भी उतना है, तो फिर 28 का हाफ कर दो, यहां से यहां तक आ गया 14, ठीक है, तो फिर 2r equals to 14 तो r का वैल्यू हो जाएगा 7, तो फिर चारों का चारों के लिए ही r 7 है, ठीक है, तो फिर एरिया ऑफ वन सर्कल, एरिया ऑफ वन सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो कैंसिल आउट कर दो, तो 7 टू द 14 का 4 कैरी 1, 7 टू द 14 1 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो एरिया ऑफ फोर सर्कल है ना, देखो कितना चार है, तो फिर सेम ही एरिया हो जाएगा, तो फिर 154 इंटू 4 कर दो, क्योंकि एक सर्कल का एरिया नहीं चार सर्कल का एरिया हमको चाहिए, है ना, आइडेंटिकल है वो, तो फिर 4 4 16 का 6 कैरी 1, 5 4 कितना होता है 20+1, 21 का 1 कैरी 2, 4 1 4+2 कितना हो जाता है 6, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, बात समझ में आया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो बताया गया है क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग कार्डबोर्ड, तो फिर एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड
कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो 784 माइनस 616, तो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आया। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे एक मिस्टेक है, 2695 पाई है, ठीक है, इसका जो एरिया है। चलो ये एक पाई मिसिंग था, तो देखो यहाँ पे क्या है, इफ द टू रेडियस ऑफ टू सर्कल्स 3:8, तो फिर यहाँ पे आर वन ले लो 8x एंड आर टू स्मॉल में लो, आर टू ले लो 3x³, 8 और 3 को आर वन आर टू उल्टा लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन देयर एरिया है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पाई आर वन स्क्वायर माइनस पाई आर टू स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2695 पाई। ठीक है, बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या है, पाई को कॉमन लो, तो फिर आर वन स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2695 पाई, तो पाई पाई विल बी कैंसिल, तो यहाँ पे आर वन स्क्वायर मतलब 8x का होल स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2695। देखो हम लोगों का हमेशा डिफरेंस ना बड़ा माइनस छोटा होता है, तो इसीलिए बड़ा वाले को मैंने आर वन लिया था, छोटा वाले को 3 लिया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस बताया था, इसीलिए बड़ा माइनस छोटा हमेशा ग्रेटर माइनस स्मॉलर होता है, तो इसीलिए 8x शुड बी आर वन एंड 3x शुड बी आर टू, क्योंकि हमें बताया नहीं कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में, तो अकॉर्डिंग टू मी हम लोग आर वन एंड आर टू ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 64x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2695, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा, देखो 55x स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2695, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2695 डिवाइडेड बाय 55। ठीक है, तो चलो यहाँ पे और x स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे कैंसिल आउट करो तो आता है 49, तो फिर और x का वैल्यू हो जाएगा 7। बात समझ में आ रहा है, x का वैल्यू हो जाएगा 7। तो चलो अब देखो मेरा x तो निकल गया, अब x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो स्मॉलर कौन सा है, r2 जो है, क्योंकि इसका ही एरिया ढूंढना है, तो r2 ढूंढो, तो फिर r2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 × 7, तो कितना हो जाएगा, 3 × 7 = 21, तो 21 सेंटीमीटर हो गया, है ना। अब जो है इसका एरिया चाहिए, अब जो है एरिया चाहिए क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो फिर पाई का मतलब है 22/7, आर का मतलब क्या है 21 × 21, तो 7 × 3, तो फिर आप मल्टीप्लाई कर लो 22 × 3 × 21, जितना भी आएगा ये कैलकुलेट कर लो। ठीक है, चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कैसे सॉल्व होता है। अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द डायमीटर्स ऑफ द थ्री सर्किल्स आर इन द रेशियो 3:5:6, तो फिर R1 लिख लो कि 3x, R2 लिख लो 5x, R3 लिख लो 6x। ठीक है, इफ द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ दोस ऑफ दीज सर्किल्स बी 308, अच्छा तो मतलब तीनों सर्किल का सर्कमफेरेंस का सम, तो फिर 2 πr1 + 2 πr2 + 2 πr3 = 308। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो, तो 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 2 × 2 = 3, 1 × 2 = 5, तो 154 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है पाई, है ना, तो पाई मतलब 22/7, तो 22/7 इनटू कैंसिल आउट करने का कुछ है नहीं, है ना, तो फिर इसको ही रख दो, तो R1 क्या है 3x प्लस यहाँ पे 5x प्लस यहाँ पे 6x। ठीक है, तो अब चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 5 + 6 कितना हो जाता है 11 + 3 = 14, तो 14x दैट इज इक्वल्स टू 154 × 7/22। अब 22 से 154 को कैंसिल आउट करो, कितना होता है 7 आता है ना, तो फिर 14x इक्वल्स टू 7 × 7, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, और x इक्वल्स टू 7 × 7 / 14, तो यहाँ पे 7 × 2 = 14, तो और x का वैल्यू हो जाता है 3.5, है ना। अब क्या बता रहा है, बता रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, अच्छा डिफरेंस बिटवीन एरिया, तो फिर एरिया ऑफ लार्जेस्ट, तो फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो कि 3 × 3.5, यहाँ पे 5 × 3.5, यहाँ पे 6 × 3.5, तब देखो ये 3 × 3.5 क्या है, स्मॉलेस्ट आएगा, ये 5 × 3.5 आएगा मिडिल का, ये 6 × 3.5 होगा मैक्सिमम, तो फिर एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट, एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा बोलो, पाई आर स्क्वायर, है ना, तो फिर पाई मतलब 22/7 × smallest मतलब ये वाला आर वन वाला, है ना, तो फिर आर वन स्क्वायर लिख लो, तो फिर यहाँ पे 3 × यहाँ पे हो जाएगा 10.5 × 10.5, क्यों 10.5 × 10.5, क्योंकि 3 × 3.5 = 10.5। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे आंसर आया ए, अब देखो एरिया ऑफ लार्जेस्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर थ्री का स्क्वायर,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, 22 बाय 7 इंटू आर, आर का मतलब क्या होगा 6 इंटू 3.5, 21 इंटू 21, तो 7 3 इज 21, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लो 22 इंटू 3 इंटू 21, यहाँ पे मान लो कि आंसर आया बी। अब क्या करना है देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अच्छा डिफरेंस ढूंढना है, तो फिर बी का ऑब्वियसली ज्यादा होगा एंड ए का ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है तो एरिया भी स्मॉलर होगा, ये लार्जेस्ट है तो एरिया भी लार्जेस्ट होगा, तो फिर वी माइनस ए कर दो, यही हो जाएगा आंसर। मतलब पहले ये ए निकालो, यहां पे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके ए निकालो, यहां पे भी बी निकालो और फिर दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 बताया कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रिंग शेप्ड रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, यही जो पहले बता रहा था, कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है, तो मतलब ये वाली जगह का बात कर रहा है ना। फाइंड द एरिया ऑफ अ रिंग शेप्ड रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल 20 एंड 15, ठीक है 20 एंड 15 बता रहा है। ठीक, चलो यहाँ पे क्या होगा, एरिया बताया, ये बीच का एरिया का बताया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पाई को कॉमन लो, तो फिर आर स्क्वायर है ना, कैपिटल आर मतलब जो बड़ा वाला है 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 15 का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट को हटा के ये वाला ब्रैकेट डाल दो, तो यहाँ पे पाई मतलब 22 बाई 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 400 माइनस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, तो मल्टीप्लाई करो 22 बाई 7 इंटू 175, अब कैलकुलेट करके आंसर लिख दो, तो आंसर आ रहा है 550 है ना, तो यही हो जाएगा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब पाई कैपिटल स्क्वायर इक्वल टू पाई कैपिटल स्क्वायर माइनस पाई स्मॉलर स्क्वायर इक्वल टू, अभी लिख लो कि एरिया बिटवीन रिंग शेप्ड रीजन, ठीक है, और ये लिखते रहना इक्वल टू देखें। ठीक, तो अल्टीमेटली 550 हो गया आंसर। चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे ये क्या है ना, मतलब वही जो पुराना वाला लॉजिक है, मतलब एरिया ऑफ बिगर सर्किल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रिंग शेप। बात समझ में, चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बताया, बताया कि द सर्कमफेरेंस ऑफ अ गिवन सर्कुलर पार्क इज 55, तो सर्कमफेरेंस बताया तो फिर 2 पाई आर दैट इज इक्वल्स टू 55। ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब आगे बढ़ो, इट इज सराउंडेड बाय अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ 3.5 मीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, अच्छा पाथ का एरिया चाहिए है ना, तो फिर वही सेम वाला काम करेंगे, यहां से आर निकालो जरूर निकलेगा 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर दैट इज इक्वल्स टू 55, 22 यहां पे हो जाएगा 5, 11 से कैंसिल आउट किया बेटा, यहां पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर इक्वल्स टू 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4, तो 35 बाई 4 ये हो गया आर, तो ये आर है सराउंडेड बाई पाथ, मतलब इसका क्या हो जाएगा वही सेम लॉजिक लगाएंगे, मतलब पाथ का एरिया चाहिए तो फिर पाई कैपिटल आर, इसको कैपिटल आर ले लो क्योंकि ये बड़ा वाले हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा वाले है ना, क्योंकि द सर्कमफेरेंस ऑफ द गिवन सर्कुलर पार्क इज ना सराउंडेड बाय पाथ यूनिफॉर्म विड्थ, मतलब ये है पार्क, ये यूनिफॉर्म विड्थ में ये है। ठीक है, तो ये जो है ये जो पार्क है, अच्छा पार्क मतलब छोटा आर ही हो रहा है ना, सराउंडेड बाय बताए तो फिर छोटा आर कर लो, छोटा आर सही था, पार्क अंदर में है तो ये छोटा आर है, छोटा आर मतलब ये वाला जो रेडियस है ना, इसको हम लोग लेंगे हमेशा छोटा आर, और बड़ा आर जो है ये वाले को हम लोग लेंगे बड़ा आर, मतलब यहाँ से ये बड़ा रेडियस है इसीलिए बड़ा आर, ये छोटा रेडियस है इसीलिए छोटा आर। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
इट इज सराउंडेड बाई अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ 3.5 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, तो पाई आर स्क्वायर है ना, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पाथ, यही ना होगा। देखो ये जो है एक बड़ा वाला सर्कल, इसके अंदर है छोटा वाला सर्कल, तो ये बड़ा से ये छोटा वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे तब जाके ये वाला एरिया निकलेगा। ये पहले भी क्या है इसीलिए और इतना डिटेल में हम नहीं समझा रहे हैं, बहुत पहले क्या है। तो फिर देखो पाई कैपिटल आर स्क्वायर मतलब ये आर क्या हो जाएगा, ये जो है पुराना आर है छोटा आर है, तो फिर बड़ा आर क्या हो जाएगा, देखो 3.5 मीटर ज्यादा है, तो फिर यहां पे निकाल लो कैपिटल आर इक्वल्स टू 35 बाई 4 प्लस 3.5, तो यहां पे क्या हो जाएगा 4, 35 प्लस 35 फोर का कितना होता है 14 होगा, 3.5 इंटू 4 एड करो 49 बाई 4, तो कैपिटल आ रहा है 49 बाई 4, तो यहां पे 22 बाई 7 इंटू 49 बाई 4 इंटू 49 बाई 4 माइनस यहां पे, अच्छा पहले यहां से ऐसे मत करो, यहां से पाई को कॉमन ले लो, तो फिर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द पाथ, तो यहां पे पाई का वैल्यू है 22 बाई 7 इंटू यहां पे आर प्लस आर, यहां पे आर माइनस आर कर दो यहां पे एरिया, तो फिर 22 बाय 7 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो प्लस कर दो कितना हो जाएगा कैपिटल आर, तो यहां पे करते हैं 35 बाय 4 प्लस 49 बाय 4, अच्छा तो नीचे आया 4 तो 35 प्लस 49 दोनों को ऐड करो 84 बाय 4 कैंसिल आउट करो तो 21 आ रहा है ना, तो प्लस करो तो 21 आ रहा है इनटू सब्ट्रैक्ट करो कौन बड़ा है कौन छोटा है, 35 बाई 4 आता है 8.7 एंड 49 बाई 4 मतलब जो छोटा है वो छोटा है, नीचे डिनोमिनेटर तो सेम है, जो छोटा है वो छोटा है जो बड़ा है वो बड़ा है ना, तो फिर यहां पे कैलकुलेट करो कि 49 बाई 4 माइनस 35 बाई 4, तो नीचे 4 रखो तो 49 माइनस 35 तो 14 आ रहा है, तो 14 बाई 4 दैट मीन्स 2 से करो यहाँ पे 7 तो 7 बाई 2 दैट मीन्स कितना आ रहा है 3.5, तो 7 3 जा 21, अब आंसर कितना होगा मल्टीप्लाई करो 231, तो एरिया ऑफ द पाथ विल बी 231, ये रफ वर्क में किया है मैंने, ठीक है अब इसको हटा देते हैं। ये जो है ये फॉर्मूला मैंने पुट किया है, ठीक है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया है दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पाथ, ठीक है समझ में आया, आई थिंक समझ में आ गया, कुछ नहीं है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में बताया कि देयर आर टू सर्कुलर गार्डन ए एंड बी, ठीक है दो सर्कुलर गार्डन है, मतलब ये है एक सर्कुलर ये है दूसरा सर्कुलर। अब जो है द सर्कमफेरेंस ऑफ द गार्डन ए इज 1.760 किलोमीटर एंड द एरिया ऑफ द गार्डन बी इज 25 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ गार्डन ए, अच्छा तो फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ गार्डन बी, बात तो सिंपल है, क्या करेंगे देखो सिंपल सा लॉजिक सॉल्व करेंगे, बताया द सर्कमफेरेंस ऑफ द गार्डन ए ऑलरेडी बता दिया है एंड द एरिया ऑफ द गार्डन बी इज 25 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ गार्डन ए, तो फिर सर्कमफेरेंस ऑफ गार्डन ए बता दिया है, तो फिर दैट मीन्स 2 पाई आर दैट इज इक्वल्स टू 1.760, तो यहां से आर निकाल लो 2 से इसको कैंसिल आउट करो 28 जा 16 17 1 28 जा 16 0 है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा 0.880, डेसिमल में अगर दिक्कत हो रहा है तो इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर लो, डेसिमल हटा लो अब 2 से कर लो इजी रहेगा 880 है ना, 28 16 71 28 16 0 अब समझ में आया। अब क्या करना है 22 बाई 7 इंटू आर दैट इज इक्वल्स टू 880 बाई 1000, ठीक है बात समझ में आ रहा है। अब क्या इसको राइट साइड भेज दो, तो फिर आर इक्वल्स टू 880 बाई 1000 इंटू 7 बाई 22, और 22 कितना होता है 22 4 का होता है ना, तो फिर 40 हो जाएगा। अब देखो ये एक जीरो खत्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 7 जा 28 बाई 100, तो दैट मीन्स यहाँ पे आर का वैल्यू हो जाता है 0.28, ठीक है मतलब दो डेसिमल लेफ्ट साइड, ठीक है डिवीजन कर रहे हैं हम दो डेसिमल लेफ्ट साइड। चलो आगे चलते हैं देखते हैं कि क्या है, बता दिया ये तो आर आ गया गार्डन ए का, ये जो है
गार्डन ए के बारे में बात कर रहे हैं। अब क्या हो जाएगा देखो यहां पे, एंड द एरिया ऑफ द गार्डन बी है ना, बता रहा है कि द एरिया ऑफ गार्डन बी इज मतलब इक्वल टू 25 टाइम्स द एरिया ऑफ गार्डन ए, मतलब 25 इंटू गार्डन ए है ना, द एरिया ऑफ गार्डन बी दैट इज इक्वल टू 25 इंटू गार्डन ए, मतलब गार्डन ए का 25 टाइम्स हो जाएगा गार्डन बी का एरिया। तो फिर गार्डन बी का एरिया तो पता नहीं हमको, क्या कर सकते हैं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर ले लो, क्योंकि ये बड़ा है और गार्डन ए का जो है वो छोटा है, तो फिर इसको ले लो कि पाई स्मॉल आर स्क्वायर यहाँ पे 25 इंटू कर दो। तो सिंस बोथ आर इन मल्टीप्लीकेशन तो हम लोग क्या करेंगे, पाई पाई उड़ा देंगे, तो यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल्स टू 25 इंटू ये हो जाएगा 0.28 इंटू 0.28, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे दोनों का ही डेसिमल हटा लो, नीचे 100 यहाँ पे भी नीचे 100 कर लो, तो यहाँ पे नीचे 100 का कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करो करके चार डेसिमल लेफ्ट पे लेके आओ, वही इजी कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पे आया 1961 2 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4, अब 2 0 खत्म कर दो, अब यहाँ पे क्या आ रहा है 196/100, तो r इक्वल्स टू रूट ओवर 196/100, तो यहाँ पे 196 मतलब ये होता है 14 × 14 और नीचे 10 × 10 है ना, तो रूट के अंदर ये रहता है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 14/10 दैट मीन्स 1.4। ये कहाँ पे सिखाया, क्लास 8 में सिखाया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में है ना। तो फिर यहाँ पे चाहिए था फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ गार्डन बी, अब देखो ये गार्डन बी का रेडियस आ गया 1.4, ठीक है, गार्डन बी का रेडियस आ गया 1.4, तो फिर सर्कमफेरेंस ऑफ गार्डन बी क्या हो जाएगा 2πr, 2π कैपिटल r होगा, तो फिर यहाँ पे 2 × 22/7 × 1.4 आ जाएगा। तो अब डेसिमल हटाओ, यहाँ पे एक 10 लाओ, तो 7 2s होता है 14, तो 2 2s 4 है ना, तो 4 × 22 होता है 88/10, दैट मीन्स आंसर हो जाता है 8.8 यहाँ पे किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर में था, ठीक है, तो हो जाएगा किलोमीटर। बात समझ में आया, चलो ना आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, अ व्हील हैज डायमीटर 84 सेंटीमीटर, एक व्हील ऐसा है इसका डायमीटर है 84 सेंटीमीटर, तो फिर 2r दैट इज इक्वल्स टू 84, तो r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो बताया कि फाइंड हाउ मेनी कंप्लीटर रिवोल्यूशन, कंप्लीटर होगा कि कंप्लीट होगा, r नहीं होगा, कंप्लीट रिवोल्यूशंस मस्ट टेक टू कवर 3.168 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे एक बात है, ये तो है हम लोगों का एक व्हील, तो एक व्हील का इसको याद रखना, वन रेवोल्यूशन दैट इज इक्वल्स टू 3.168 किलोमीटर, ठीक है, एक व्हील का सर्कमफेरेंस दैट इज इक्वल्स टू वन रेवोल्यूशन। मान लो कि यहां पे एक व्हील है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट एक बार घूम के यहाँ पे आएगा तो वन रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा, ठीक है, मतलब एक व्हील यहां से चालू होके यहाँ पे आके एंड करेगा ये पॉइंट, तो वन रिवोल्यूशन होगा। तो ऐसा करके उसको कितना रिवोल्यूशन चाहिए है ना, ये भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग क्लास 8 में किया था, तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। पहले तो इसका सर्कमफेरेंस निकाल लो, सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा 2πr, तो 2 × 22/7 × r का वैल्यू है 42 है ना, तो 7 से कैंसिल आउट करो 6, तो कितना हो जाएगा 264 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है सर्कमफेरेंस। लेकिन तुमको कितना एरिया कवर अप करना है, 3.168 किलोमीटर, तो फिर देखो यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाओ, यहाँ पे कितना हो जाएगा डिस्टेंस और यहाँ पे हो जाएगा रिवोल्यूशन, ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस होता है 264, ये डिस्टेंस हमको सेंटीमीटर में लिख रहे हैं, तो 264 सेंटीमीटर जाएगा वन रिवोल्यूशन। तो 3.168 किलोमीटर, दैट मीन्स 3.168 किलोमीटर, दैट मीन्स
3168 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इतना यहाँ पे सेंटीमीटर मत लिखना, इक्वल्स टू 3168, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 3168 में कितना, तो देखो जितना डिस्टेंस उतना ज्यादा रिवोल्यूशन, जितना ज्यादा रिवोल्यूशन उतना ज्यादा डिस्टेंस, है ना। तो सिंपल सा हम लोग का लॉजिक क्या आ रहा है, दोनों अप एरो और दोनों ही डाउन एरो, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, क्लास 8 में सिखा था प्रोपोर्शन, या फिर क्लास 7 में यूनिटरी मेथड, अगर समझ में नहीं आता है तो फिर क्लास 7 का यूनिटरी मेथड देखो, वहां पे भी मैंने ये मेथड अप्लाई किया था, या फिर क्लास 8 का डायरेक्ट वेरिएशन इनवर्स वेरिएशन का, वहां पे भी मैंने ये वाला मेथड सिखाया। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको एक्स ले लो, तो फिर मान लो कि लेट रिवोल्यूशन इक्वल्स टू एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक्स बाय 1 दैट इज इक्वल्स टू 3168 डिवाइडेड बाय 264। अब सीधा इससे ये कैंसिल आउट कर लो, 12 होगा, तो फिर x इक्वल्स टू 12, दैट मींस कितना रेवोल्यूशन लगेगा, 12 रेवोल्यूशन, ठीक है। ये जो लाइन मैंने लिखा ये पहले भी हम लोग किया था, तो इसीलिए और इतना ज्यादा हम समझा नहीं रहे हैं। अगर जो बच्चे का समझ में नहीं आएगा तो बेटा क्लास 8 का या फिर क्लास 7 का सम्स जाके देखो, तो समझ में आ जाएगा। वहां पे मेंस्ट्रुएशन में बस मेंस्ट्रुएशन वाला ही देखो तो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ऑलरेडी समझाया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 रिवोल्यूशन इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील, ठीक है। एक रिवोल्यूशन होता है तो सर्कमफेरेंस, मतलब एक बार सर्कमफेरेंस, मतलब 264 मींस 1 रिवोल्यूशन होता है, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, ईच व्हील ऑफ अ कार इज ऑफ अ डायमीटर 80 सेंटीमीटर, ईच व्हील ऑफ अ कार इज ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर, तो मतलब डायमीटर है 80, तो मींस 2R है 80, तो फिर R का हो जाएगा 40, है ना। अब क्या, हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक 10 मिनट्स व्हेन द कार ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहां पे भी हमको वही वाला लॉजिक लगेगा कि सर्कमफेरेंस दैट इज इक्वल्स टू 1 रिवोल्यूशन, ठीक है। यहां पे क्या गिवन है, देखो हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार is traveling at a speed of 66 km per hour. So that means, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 hour में 66 km. 1 hour means 60 minutes. So 10 minutes में कितना गया? तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60 minutes में 66 km, है ना? तो यहाँ पे भी unitary method लगा दो, time and distance का, यहाँ पे ले लो कि time, यहाँ पे ले लो distance. तो time कितना है? Time in minute ले लो, बताया था 1 hour, तो फिर 60 मिनट्स में डिस्टेंस कवर अप कर रहा है 66, और डिस्टेंस जो है किलोमीटर में ले, तो 60 मिनट में 66, लेकिन ये भी सेंटीमीटर में है, 80 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे r जो है ये 40 सेंटीमीटर में आता है, तो सेंटीमीटर में पूरा चीज को कन्वर्ट कर लो, इसको कर लो सेंटीमीटर में, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, देखो सेंटीमीटर मतलब किलोमीटर से सेंटीमीटर करना है, ठीक। अब क्या है, 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स में कितना, तो इसको x ले लो, अब इसको हटा दो, ये कैसे कन्वर्ट किया ये तो पता ही है, मतलब बस 1 ले लो और बाकी सारे में 0 पुट कर दो, जितना 0 है उतना 0 यहां पे भी पुट कर दो, ठीक है। अब देखो यहां पे भी जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा डिस्टेंस, या फिर जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा टाइम, तो टाइम एंड डिस्टेंस यहां पे क्या हो जाएगा, सेम, क्योंकि स्पीड तो सेम ही है ना, सेम स्पीड में जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर अप करेगा टाइम उतना ही चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो x बाई 66 1 2 3 4 5 दैट इज इक्वल्स टू 10/60, तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट कर दो, ये 6 से कैंसिल आउट कर दो, 6 1 1 1 2 3 4 5, फिर x इक्वल्स टू 1 1 1 2 3 4 5, ठीक है। इतना कितना हुआ, इतना सेंटीमीटर, तो x इक्वल्स टू इतना सेंटीमीटर, x का मतलब क्या है, डिस्टेंस, तो फिर डिस्टेंस इन 10 मिनट 1 1 1 2 3 4 5 इतना सेंटीमीटर में क्या होता, ठीक है। अब चलो, अब यहां पे है कि हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन, अब एक और बार हमको
करना पड़ेगा। तो यहां से पहले 2 पाई आर निकाल लो, यहां पे निकालते हैं 2 पाई आर, 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर का मतलब है 40। तो यहां पे कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आया इसका कर्व सर्कमफेरेंस। अब देखो बताया कि हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन, तो कितना कंप्लीट रिवोल्यूशन लगेगा, कंप्लीट रिवोल्यूशन कितना लगेगा वो कैलकुलेट कर लो, वही वाला यहां पे कर लो रिवोल्यूशन, यहां पे कर लोगे डिस्टेंस। ठीक है, तो 251.4 डिस्टेंस जा रहा है वन रिवोल्यूशन, तो फिर 1, 2, 3, 4, 5 क्योंकि ये डिस्टेंस जो है इन सेंटीमीटर, रिवोल्यूशन जो है वो नंबर में है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कर लो अच्छे से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें कितना, तो इसको y ले लो, एक ही क्वेश्चन में x एंड y दो बार मत लेना, यहाँ पे ले लो कि लेट द डिस्टेंस इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, यहाँ पे ले लो कि लेट द रिवोल्यूशन इक्वल्स टू y इक्वल्स टू y, यहाँ पे सेंटीमीटर वेंटीमीटर यूनिट कुछ नहीं होगा क्योंकि रिवोल्यूशन सेंटीमीटर में होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो वही सेम लॉजिक, दिस एंड दिस कैलकुलेट कर लो, y by 1 that is equals to 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5 divided by 251.4। ठीक है, कैंसल आउट कर लो दोनों को, ये आ रहा है 4375.4। तो देखो 5 के नीचे है इसीलिए हम लोग क्या लेंगे, इक्विवेलेंट टू 4375 ले लेंगे, इतना रिवोल्यूशन। ठीक है, अगर ये 5 और मोर देन 5 होता तो राउंड ऑफ कर देते 7-6 में, तो अगर 0.4 हुआ तो राउंड ऑफ कर देते हैं। इसको विदाउट कैलकुलेटर कैसे सॉल्व करोगे, कैंसिल आउट करना है, ये डेसिमल हटाओ ऊपर में और 10 लगाओ एंड देन इसको 2 से छोटा करते रहो, फिर जो आएगा फिर डिवीजन कर लेना। ये मैंने कैलकुलेटर से किया है लेकिन तुम लोग हाथ में ही करना नॉर्मल, क्योंकि एग्जाम में तुम लोग को नॉर्मल विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना है, तो फिर उसी के लिए प्रिपेयर रहना। ठीक, मेरा यहाँ पे ऑप्शन है कि हम कैलकुलेटर में करें क्योंकि हमको जितना कम टाइम में सम समझाना है उतना ही अच्छा है। कैलकुलेशन तो बेटा क्लास 2-3 लेवल का है और ऑलरेडी ये क्लास 7 में डेसिमल में मैंने सिखाया है, तो वहां पे जाके चेक कर सकते हो कि कैसे ये डिवाइड करते हैं, और ऐसा नहीं कि तुम क्लास 9 में आ गए हो और ये वाला डिविजन नहीं कर सकते। देखो मेंशुरेशन का जो सम्स है, ये सम जो है बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो तुम लोग, अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है, अगर तुम्हारा फॉर्मूला लर्न है। लेकिन अगर फॉर्मूला लर्न नहीं है एंड कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर इसका सम्स इतना जल्दी इतना इजीली नहीं बनेगा। यहाँ पे नंबर किसका है, वो नंबर जो है वो कैरी करते हैं कैलकुलेशन में। ठीक है, कंसेप्ट बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, फॉर्मूला बहुत इजीली लर्न हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन में ही मिस्टेक हो सकता है और होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होता है। और बड़ा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा ही होता है, लेकिन ये क्लास 2, 3, 4, 5 लेवल का सम्स है, तो यही सारा अगर वहां पे जाके ठीक से प्रैक्टिस किए हो तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे दिक्कत दे रहा है तो कर लो प्रैक्टिस 10-12-15 अराउंड 20 सम्स प्रैक्टिस कर लो, तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कैसे सॉल्व हो सकता है।